जो ग्रैंड मॉस की तरह बहुत सुंदर है। ग्रैंड मॉस कहाँ पर है? अबू धाबी में। वो हमने लास्ट ईयर घूम लिया था ना, तो उसको भी हम कभी दिखाएंगे अपने वीडियो पे, लेकिन आज हम जा रहे हैं शारजा के मॉस्क में, जो भी बहुत सुंदर है। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है और वो टॉप अट्रैक्शन में भी आता है वो। चलो वहाँ दिखाते हैं, हम भी देखते हैं और सबको दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। सी यू देयर। मोटे को बस घूमना होता है ना मोटू। हाँ, एक सेकंड, घूमना नहीं खाना होता है। मोटे को खाना होता है। बेटा आज अभी खाने के लिए खा के निकला है ना अभी घर से, तभी खाना खा के निकला है। तो वहाँ पे पहले घूमेंगे, टॉप अट्रैक्शन की एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? पहले टॉप, आपको पता है टॉप मेरी लिस्ट में क्या टॉप अट्रैक्शन है? खाना। हम लोग पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर है व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर है। देखिए मैं, ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया है और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो गाइस अभी अंदर चलते फिर देखते। अभी हम लोग गेट नंबर 3 से एंटर करेंगे। आ जाओ जो दादा उधर कैमरा सेट कर रहे हैं। अभी इधर आज गाइस देखो मैडम का लुक चेंज हो गया, कैसी लग रही है? मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? मेरा लुक पूरा चेंज है, पूरी ट्रेडिशनल बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली। अच्छा हमारे साथ हुआ क्या कि हम डे में जब आए थे तो मैम के कपड़े जो थे ना वो फुल नहीं थे, तो फुल बाजू का नहीं था जो मॉस में अलाउड नहीं है। हमें लगा था जैसे अबू धाबी में ग्रैंड मॉस में जो है ना वहाँ पर चेंज करने के लिए कपड़े देते हैं, तो हमें लगा था यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मिला नहीं। तो हमें एक पास के शॉप में जाके मैम के लिए शॉपिंग करनी पड़ी और हम फिर वापस आए हैं। और मेरे लिए एक पैंट भी लिया, इसको इसकी पेट पूजा भी करा दी और इसको एक पैंट भी दिलवा दिया हमने। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम वो शॉट में हमको लकी मिलेगा कुछ फुटबॉल वुटबॉल खेलते हुए। तो गाइज अभी अंदर चल के पूरा व्यू दिखाते हैं आपको, ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे कि मैंने दिन में आपको थोड़ा क्लिप दिखाया था, इस नाइट में तो व्यू कुछ और ही है, बहुत ही सुंदर है। वाओ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा गाइज, होप करती हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अंदर चल के देखते क्या है ये अट्रैक्शन। मॉस्क के बाहर में इन्होंने वजू करने की जगह बनाई है। वजू इज द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर प्रेयर। तो आपको प्रेयर से पहले अपने आप को क्लीन अप करनी होती है, उसको एरोबिक में वजू बोलते हैं। Thank you.
मेन मस्जिद के पास पहुंच गए हैं, तो अंदर जाके आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। गाइस, अंदर जाने के लिए लेडीज का एंट्री अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। ये लेडीज प्रेयर हॉल का एंट्रेंस है। नीचे मेल्स के प्रेयर हॉल है, ऊपर ऑफ स्टेयर में फीमेल्स के प्रेयर हॉल है। अभी मैं लिफ्ट से फीमेल प्रेयर हॉल की तरफ जा रही हूँ। ये लेडीज के प्रेयर हॉल है, यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे चेयर्स लगी है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यहाँ पर बैठ के वो नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 610 सीट्स एलोकेटेड है लेडीज के लिए, यहाँ पे बैठ के वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अंदर का जो इंटीरियर है, जो डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सबसे बड़ी मस्जिद है शारजा की। यहाँ पर एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो, जो बाउंड्री लगा हुआ है, बाउंड्री के उस तरफ नीचे मेल्स के लिए है। मस्जिद के अंदर के एरिया काफी बड़ा है, यहाँ पर 5,000 लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। और फ्रंट हॉल एंड साइड लॉबीज में 6,000 एंड बाहर के एरिया में 13,000 प्लस लोग बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हो ये बाहर का व्यू कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। आप इसे देख के मेरे तो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, कौन से शब्द में मैं बयान करूँ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप ग्रैंड मॉस्क के नहीं गए हो कभी, तो आप ये शारजा का ये वाली मॉस्क ज़रूर आना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये 20 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये 2014 से स्टार्ट हुआ था और 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म हुआ था। तो बहुत ही शानदार प्लेस है, अगर आप एक बार आओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। गाइस, इस मस्जिद का बाहर का एरिया बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है घूमने के लिए, आपको घूम के बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो सुंदर सुंदर लैंडस्केप बना हुआ है, आप देखे काफ़ी इम्प्रेस हो जाओगे। तो चलते हैं, अभी मैं इसका बाहर का एरिया भी दिखाती हूँ आपको। पानी है तो प्लीज कृपया करके यहाँ पे कभी ना हाथ चढ़िए, ऐसा लगता है कि ग्लास है लेकिन एक्चुअली में ये पानी है। यस yes. तो कृपया करके इसको इसमें कभी मत चढ़िए, ये भी पानी है। हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है, जो वेव्स आ रहे हैं ना इसमें। रात में लग रहा है कि ग्लास के ऊपर है। तो गाइज, हमने तो टूर कर लिया। अगर आप ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी किसी वजह से नहीं जा सकते हैं, तो ये वाला मॉस्क ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर है और आपको बहुत शांति मिलेगी। बड़ी अच्छी हवा बह रही है, ये 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन पर स्वेटिंग नहीं हो रही है,
ह्यूमिडिटी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए और यहाँ पे कम कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली के साथ। तो हम आपको आगे की थोड़ी सी नाइट फुटेज दिखाते हैं, देन वी विल सी यू एट होम। तो जोजो आपको कैसे लगा? मेरे को तो बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मजा आया, लेकिन खाना नहीं आया। खाना तो यहाँ पे जाके खाएगा ना बाहर। तो गाइज, अगर आप प्लान करते हो शारजा का ये वाले मॉस्क आने के लिए, तो मैं आपको बेटर टाइमिंग बता दूँ इसका। अगर आप इवनिंग में 6 o'clock आते हो तो आप डे और नाइट दोनों का व्यू देख सकते हो। गाइज देखो, ये दोनों बाप बेटे घूमते थक चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेंचेस लगा हुआ है। अगर आप थक जाते हो, जैसे दोनों बाप बेटे बैठे हैं वैसे ही आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। ये दोनों थक चुके हैं, अभी यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर घूम रही थी। अभी देखो ये दोनों थक चुके हैं। थकेलो, हेलो, चलते हैं। थक गए, भी गए हैं, भूख भी लग रही है। चलो चले चलते हैं, पूजा करने लक्की का। चल बेटा। तो गाइस, हम लोग सच में बहुत थक चुके हैं, तो आज के लिए ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए। फिर अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।